नूरपुर विधानसभा क्षेत्र में प्राकृतिक आपदा के चलते इस बार भारी बरसात में लोगों का बहुत नुकसान हुआ है, जिसमें न केवल लोगों की उपजाऊ जमीनें, फसलें, रिहायशी मकानों, पशुशालाओं को भारी क्षति पहुंची है, बल्कि क्षेत्र के संपर्क मार्गों की हालत भी खस्ता हो चुकी है। इसीलिए सरकार प्रभावित लोगों की प्राथमिकता के तौर पर सुध ले और प्रभावित लोगों को मुआवजा प्रदान करे। वहीं सड़क, बिजली और पानी की सुविधाओं को भी प्राथमिकता के तौर पर बहाल करे। ये मांग प्रदेश कांग्रेस महासचिव एवं नूरपुर के पूर्व विधायक अजय महाजन ने क्षेत्र की थोड़ा बदूही, खनी झिली और खनी ऊपरी पंचायतों के विभिन्न गांवों में बरसात के बर्फे कहर का जायजा लेने के बाद प्रदेश सरकार से करते हुए कहा कि क्षेत्र में इस बार हुई भारी बरसात ने लोगों की बुरी तरह से प्रभावित किया है। क्षेत्र के लोग इस प्राकृतिक आपदा से बुरी तरह से जूझ रहे हैं। फसलें तबाह हो चुकी हैं, अनेकों जगहों पर उपजाऊ भूमि कटाव के चलते पानी की भीड़ चढ़ चुकी है, लेकिन क्षेत्र में आपदा से निपटने के लिए सरकार की योजनाएं खोखली साबित हो रही हैं। उन्होंने प्रदेश सरकार और नूरपुर के विधायक से मांग की है कि वह नूरपुर क्षेत्र के विशेष राहत पैकेज घोषित करवाए ताकि लोगों को फौरी राहत मिल सके। आज हम तकरीबन 4-5 गांव में गए, मून पंचायत में अलग अलग जगह गए, थोड़ा पंचायत में अलग अलग जगह गए, खन्नी पंचायत में गए और झिकली खन्नी में गए। इन पंचायतों में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है कि जो बरसात आई है पिछले कुछ दिनों में, जो बहुत ज़्यादा बरसात हुई है, इसमें लोगों की ज़मीनों का बहुत मतलब तकरीबन बड़ी बड़ी तादाद में ज़मीनें जो है ख़त्म हो गई हैं, और जो फसलें लगाई थी किसानों में वो भी ख़त्म हो गई हैं, और कईयों के मकान जो है वो टूट गए हैं, और खास तौर पे खरोड़ में, थोड़िया में तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो मैं सरकार से ये आग्रह करना चाहता हूँ कि इस संकट की घड़ी में नूरपुर चुनाव क्षेत्र के जो लोग हैं, इनके साथ इनको पूरा सहयोग दें, इनको आर्थिक मदद की जाए और एक स्पेशल बजट जो है उसका प्रावधान किया जाए कि ये लोगों की मदद हो सके। जो सड़कें खराब हो गई हैं, जो उसके लिए भी इमीडिएटली मशीनरी भेजी जाए, या लाइट का भी ये हाल है, और पानी का भी कई जगह बहुत नुकसान हुआ है, जो सोर्सेज हैं, और सड़कों का तो हुआ ही हुआ है। तो इसके लिए जो सरकार जल्द से जल्द मतलब इनका राहत दे सके, वो इस दुख की घड़ी में और संकट की घड़ी में लोगों की बहुत एक फायदा होगा।